सिंगापुर दौरे पर गए पीएम मोदी आज एक रेस्टोरेंट में खाना खाते नजर आए और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने एक खास डिनर पीएम के लिए रखा था। मित्रों, व्हाट्स अप की खबर, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग द रस्की वॉन्ग। तो द 10th वीडियो ऑफ द डाइट प्लान सीरीज एंड ये है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूँ, थ्रू दिस वीडियो मैं खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है जहाँ मैं दिखाता हूँ सेलिब्रिटीज का डाइट प्लान एंड बिकॉज ये 10th वीडियो था आई चूज नरेंद्र मोदी सर। एंड वाई एम आई वेयरिंग व्हाइट, बिकॉज व्हाइट मोदी जी का फेवरेट कलर है, वो हमेशा व्हाइट ही पहनते हैं, इसलिए मैंने भी व्हाइट कलर का शर्ट पहन लिया। तो कमिंग टू द पॉइंट, आज फुल डे हम लोग करने वाले हैं पीएम मोदी सर का डाइट प्लान, जो वो करते हैं डे टू डे लाइफ में अपना बॉडी हेल्दी रखने के लिए। मैंने जो नोटिस किया, नरेंद्र मोदी सर बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाते हैं, उनका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, स्नैक हो, वो कोशिश करते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। एंड ऑल्सो उनका जो भी मील होता है वो सब गुजराती होता है, वो गुजराती खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं रहता हूँ जोरहाट आसाम में, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा वो सब जुगाड़ करने के लिए, पर जो भी हो मैं कर लूँगा। नरेंद्र मोदी सर इज़ 5'7" विद अ वेट ऑफ नियरली 78 kilos। उनका जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो नियरली मेरे हिसाब से 2300 के आसपास आता है। ऑल्सो नरेंद्र मोदी सर बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह को 5 बजे वो उठ जाते हैं। एंड उठने के बाद वो सबसे फर्स्ट चीज़ जो करते हैं वो है योगा, एंड देन वो करते हैं हाफ आवर का मेडिटेशन, एंड देन उसके बाद लगभग 8 बजे वो नहाने जाते हैं। एंड 8:30 को वो अपना हाथ में चाय का कप लेके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एट 9 वो खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट, एंड 9:30 को जाते हैं ऑफिस। और हाँ, आज मैं ट्राई करूँगा कि मैं सर जैसा थोड़ा बहुत कपड़ा पहन पाऊँ, तो अगर कोई भूल करूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। सो विद दिस इज आई ट्राइड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर्स डाइट प्लान फॉर अ डे चैलेंज, लेट्स गो। सो अभी टाइम हुआ है नियरली 6 बजे, एंड 6 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी सर करते हैं अपना वर्कआउट जो होता है उनका योगा, तो मैं भी थोड़ा योगा करने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद होगा आधा घंटे का मेडिटेशन, तो मैं ट्राई करूँगा वो करने के लिए। सो लेट्स गो। What's up everyone? So it's time for the first meal of the day. अभी बजे तकरीबन 8:30, and you can see मैंने white कुर्ता पहना हुआ है। क्यों? Because नरेंद्र मोदी सर सुबह सुबह उठ के कुर्ता ही पहनते, इसीलिए मैंने भी कुर्ता पहना। And with that ये होता है नरेंद्र मोदी सर का सुबह, newspaper, चाय एंड बिस्किट एंड चाय विदाउट चीनी, तो मैं भी वही करने वाला हूँ। तो जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी सर, अभी आज का सुबह का पेपर पढ़ूंगा बिना चीनी का चाय, तो मैं ही पीता हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं कितना बड़ा भक्त हूँ चाय का, तो लेट्स टेस्ट चेक द चाय फर्स्ट। काफी टेस्टी चाय है, गिव्स मी अ ग्रैंड फीलिंग। बेसिकली इस समय में नरेंद्र मोदी सर लास्ट डे के सब ट्वीट पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो जो भी हो लेट्स मीट इन ब्रेकफास्ट एंड एंजॉय दिस। सो इस टाइम टू मेक द फर्स्ट मील जो है ब्रेकफास्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द डाइट प्लान ब्रेकफास्ट था गुजराती पोहा। सो पोहा बनाने के लिए चाहिए पोहा, बादाम, मस्टर्ड सीड्स, फेनल सीड्स, अदरक, मिर्ची, कुछ प्याज, टमाटर थोड़ा बहुत दे दूंगा मैं, एंड कड़ी पत्ता। और मेरी मम्मी मेरे लिए पोहा बना रही है। वेलकम बैक। सो इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो एग्जैक्टली एट 9 बजे शाम सुबह को नरेंद्र मोदी सर करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। मैंने बहुत रिसर्च किया, मेरे को पता चला नरेंद्र मोदी सर का फेवरेट है पोहा, खांडवा, उसके बाद ढोकला, खिचड़ी, तो इसीलिए आज यहाँ मैंने बनाया है पोहा, एज यू कैन सी, एंड विद दैट ढोकला मैंने बाहर से खरीद के लाया है मिठाई जंक्शन से, तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है मेरे को। तो लेट्स टेस्ट चेक एंड बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को कैसा लग रहा है। 10th वीडियो है तो थोड़ा इसलिए ये सब कर लिया। जो भी हो सब कुछ आप लोगों के लिए ही है। तो यही ब्रेकफास्ट है वो जो नरेंद्र मोदी सर रेगुलरली खाते हैं। एंड और एक बात, नरेंद्र मोदी सर का जो ब्रेकफास्ट है वो हाई इन प्रोटीन रखते हैं, हाई इन फाइबर। Let's see.
मित्रों डब्ल्यू ओ द मोमेंट ये मम्मी ने आग बनाया है आग लिटरली बहुत टेस्टी है अभी लेट्स ट्राई ढोकला लुक एट दिस ये कितना सॉफ्ट है टेस्ट चेक सॉरी फॉर दैट दिस विल गेट अनदर डब्ल्यू ओ द मोमेंट बहुत ज्यादा टेस्टी क्या बोलू मैं इन लोगों को मैं फिनिश करता हूँ फिर बात करते हैं वेलकम बैक सो इट्स टाइम फॉर द लंच एंड आप लोग देख सकते हो मैंने मोदी जैसा ये पहन लिया असम में इसको मोदी कोट बोलते हैं जो भी हो इट्स टाइम फॉर लंच एंड टिपिकली मैंने बहुत रिसर्च किया एंड मोदी जी गुजराती थाली खाना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा इसीलिए आज मम्मी को बोल बाल के मैंने बहुत मेहनत से कुछ गुजराती आइटम बनाए हुए हैं सबसे पहले पापड़म उसके बाद ये खाखरा रोटी उसके बाद में दो सब्जी है बिकॉज मोदी जी नॉर्मली चावल रोटी सब्जी एंड साग खाते हैं तो यहाँ पे एक साग है एक दाल है एक सब्जी है चावल है एंड पापड़म एंड अचार मोदी जी प्योर वेजिटेरियन है इसलिए यहाँ पे जो भी आइटम है प्योर वेजिटेरियन है यहाँ पे मम्मी ने अनियन भी नहीं यूज़ किया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात मोदी जी कभी भी अकेले नहीं खाते कभी भी नहीं जब वो घर पर रहते हैं वो अपनी मम्मी के साथ खाते हैं एंड जब पार्लियामेंट में रहते हैं अपने मिनिस्टर के साथ खाते हैं तो इसीलिए आज मेरे मिनिस्टर मम्मी तो मैं आज ये मेरे मिनिस्टर है आज के लिए मिनिस्टर जी स्टार्ट कीजिए मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ अपना खाना ये बिग बाजार से लाया मैंने गुजराती पापड़म आई डोंट नो टेस्ट कैसा है सब कुछ में करी पत्ता का स्मेल आता है उनका सो माई लंच इज कम्प्लीट मेरी मम्मी के साथ मेरे मिनिस्टर्स के साथ सो अभी आफ्टर द लंच मोदी जी खाते हैं फ्रूट सैलड एंड उसमें उनका फेवरेट है ऑरेंज तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज एंड ये एक फ्रूट है पता नहीं इसको बंगाली में जामबुड़ा बोलते हैं आई डोंट नो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो भी हो तो लेट्स एन्जॉय दिस आप लोगों को तो पता होगा मोदी जी 18 आवर्स अ डे काम करते हैं एंड वो ओवरसीज जाते ही रहते हैं एंड तब भी एट द एज ऑफ 69 अपना हेल्थ मेंटेन किया है वो रेगुलरली योगा करते हैं रेगुलरली हेल्दी खाना खाते हैं तो ये था मोदी जी का लंच एंड इसके बाद होगा एक स्नैक तो वी आई विल मीट यू इन द स्नैक मित्रों समय है अभी 5 बजे अभी टाइम है नरेंद्र मोदी सर का स्नैक का एंड स्नैक में उनका फेवरेट है बेसन खीरखंड और ढोकला तो इसीलिए जब मैं सुबह को ढोकला लाने गया था मैं दो जगह से ढोकला लाया तो ये एक दूसरी जगह से ढोकला मैंने लाया एक ठूक एंड ये है बेसन खीरखंड इसमें चीनी बहुत ही कम रहता है लाइक नेग्लिजिबल तो लेट्स सी ये खीरखंड कैसा है ओ भाई साहब ये इतना ज़्यादा टेस्टी है मैं आप लोगों को क्या बोलूँ लुक एट दिस लुक एट द टेक्सचर कितना टेस्टी है ये कितना ज़्यादा टेस्टी है सुबह का ढोकला तो अच्छा था ये भी ट्राई करते हैं अभी ये भी अच्छा है बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा था तो ये था उनका इवनिंग स्नैक अब मिलते हैं आपको डिनर में वेलकम बैक सो इट्स टाइम फॉर द लास्ट वन ऑफ द डे जो है डिनर एंड फॉर डिनर मैं बहुत टाइम सोच रहा था मैं क्या पहनूं बिकॉज मैं होल डे पीएम नरेंद्र मोदी सर जैसा ड्रेसअप कर रहा था पर ऑब्सेस विद द कलर व्हाइट बिकॉज मोदी जी का फेवरेट कलर व्हाइट है एंड आप लोगों को तो पता ही है जब भी मैं ये सब वीडियो शूट करता हूँ मैं रात को ये सब टाइप का कपड़ा पहनता हूँ जो बहुत कंफर्टेबल है मैं नॉर्मली ब्लैक कलर का पहनता हूँ आज व्हाइट कलर पहन लिया जो भी हो लेट्स ब्रिंग द डिनर सो दिस इज खिचड़ी ये है आज का डिनर जब मैंने रिसर्च किया अबाउट मोदी सर मेरे को टॉप 5 फेवरेट फूड ऑफ मोदी सर मिले एंड उसमें खिचड़ी इज हिज मोस्ट फेवरेट डिनर तो यहाँ मैंने लिया है खिचड़ी जो मैंने मम्मी ने वाला है बहुत टेस्टी बना होगा विद दैट पापड़म जो गुजराती वाला है अचार एंड नींबू तो ये होगा मेरा डिनर लिटरली मेरे को ऐसा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है पर मैं आप लोग को बोल दूँ मैं खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा ये बस मेरा एक कोशिश है आप लोगों के सामने ये सब लेके आने के लिए टू एंटरटेन यू गाइस जो भी हो आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ है तो लेट्स टेस्ट चेक मोदी सर तो हाथ से ही खाते हैं पर इसको पहले इसे टेस्ट चेक करते हैं थर्ड टाइम डब्ल्यू ओ
दिस मोमेंट हूँ मैं आसाम से बट आई एम बंगाली, तो बंगाली के लिए खिचड़ी एंड नींबू एंड अचार ये जन्नत जैसा होता है एंड मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, आई एंजॉय टू द फुलेस्ट। तो इसको फिनिश करते फिर बात करते हैं। मैं इसको ऐसे इसलिए खा रहा हूँ बिकॉज कल से मैं कटिंग करके जाने वाला हूँ, तो ये सब मैं कुछ दिनों के लिए नहीं खा पाऊंगा जो मैं आपको दिखाऊंगा इस चैनल पे। इसके साथ वी आर एंडिंग द डे, रियली बीइंग इंडियन मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है अपने इंडिया पे। एंड तो जो भी हो ये एक एंटरटेनमेंट वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो डू गुड थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो कमेंट बिलो व्हाटएवर वीडियो यू वांट टू सी नेक्स्ट। मैंने टोटल 9 सेलिब्रिटीज डायमेंट करके रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये था 10th वीडियो द क्लाइमेक्स वीडियो जिसके बारे में बहुत दिन से बोल रहा था उन सब वीडियोज़ में। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अगर कोई भी भूल हो गई हो इस वीडियो में से मुझे सीरियसली माफ़ कर दीजिएगा, मैं किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहता थ्रू दिस वीडियोज़। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।